हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का सी बी टी पॉइंट में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हेलो हेलो एरिन का इसके पहले तीन लेक्चर हो चुके थे एस एन टू तक आज एस एन वन से स्टार्ट करेंगे एनसीआर टी लाइन बाई लाइन जो सीरीज है वेरी वेरी हेल्पफुल है फॉर बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई है प्लीज पढ़िए अगर आपको थोड़ा से हेल्प चाहिए तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं एस एन वन अभी कर देता हूँ आप लोग को एस एन टू क्या है हमने बताया था एसएन2 रिएक्शन एसएन2 रिएक्शन क्या होती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के दो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है हेलोएलाइड पे और सर एल्काइललाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे दूसरा चीज ये वन इज फर्स्ट स्टेप एक ही स्टेप की रिएक्शन थी नो इंटरमीडिएट फॉर्म

दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियर फाइल इतना चीज क्लियर है एस एन टू एस वन में और चीज ये दो स्टेप की रिएक्शन होती है एव, फर्स्ट ऑर्डर कानेटिक्स मतलब एक केवल एल्किल हाईलाइट पे डिपेंड करता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इसीलिए जो इसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटाइन का वो थ्री डिग्री टू डिग्री और वन डिग्री होता है मतलब जितना ज्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबल कार्बोकैटाइन यहाँ इंटरमीडिएट का काम कर रहा है तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल या हम कहेंगे उतना जल्दी फास्ट एस एन रिएक्शन होगा जैसे अगर हम बात करें इस रिएक्शन में इसमें ये पहले स्टेप में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैट हो रहा था हो रहा है उसके बाद ओ OH एच का इस पे अटैक हो रहा है तो इसमें आप बताएंगे कि दो स्टेप्स की रिएक्शन है सिंपल कभी कभी तो सिंपल आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एन एंड एस एन वन रिएक्शन अच्छा स्टेप वन इज द स्लोवेस्ट स्टेप जो एंड रिवर्सिबल याद रखिएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चाहे जितना स्टेप हो जाए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है स्लोवेस्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग इट सीबीआर बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी ऑफ टेंट थ्रो द सोल्वेशन ऑफ हाईलाइट एंड विथ प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीक सोलवेंट सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किलाइड किस पे डिपेंड कर रहा है कंसनट्रेशन ऑफ एल्किलाइड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द दंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन एन फर्दर ग्रेटर बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कि हमने बताया थ्री डिग्री सब ज़्यादा फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री ये आप देख लीजिएगा

इस इन दोनों के केस में हम कहेंगे आयो, आयोडीन तो रीजन क्या आयोडीन group, size, in, है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज इट विल बी रिलीज फास्टर रेट इन हमने बताया साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आई क्या जल्दी एसएन2 रिएक्शंस दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए इसी में आएगा ये ऑर्डर सेट करने का है। अच्छा कुछ स्टीरियोकेमिकल मतलब कुछ स्टोरियो केमिकल के हिसाब से हम देख लेते हैं स्टोरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की बात करें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टोरियो केमिकल एस्पेक्ट कुछ चीजें जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कैरेलिटी रिटेंशन इन्वर्जन एंड रेसमाइजेशन क्या होता है देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है प्लेन आ, प्लेन ऑफ री लाइट थ्रो द निकोल प्रिज्मेड वेन इट पास थ्रू द सोलूशन ऑफ सर्टन कंपाउंड सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बात को समझिएगा ऐसा ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल लाइट को रोटेट कर दे क्या कर दे रोटेट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मीटर क्या बोलते हैं उसको इफ द द कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड्रो रोटेटरी बात को समझ। अगर उस कंपाउंड में जब पीपीएल लाइट को रोटेट कर रहा अगर राइट डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज में तो उसको क्या बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी अगर लेफ्ट साइड होगा तो उसे बोलेंगे लेबोरेटेटरी साइन नेगेटिव का सच प्लस एंड माइनस आइसोमर ऑफ कंपाउंड और कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर इसको क्या बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फिनोमिना क्या बोलेंगे आइसो ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर एसिमेट्री मॉलिक्यूलर एसिमेट्री मतलब समझिएगा द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज ऑन द मॉलिक्यूल सच कार्बन इज एमेट्रिक कार्बनियंटर बात करिएगा अगर किसी कंपाउंड का जो मिरर इमेज है क्या मैं बताऊं बोला <laughs> अगर किसी कंपाउंड का मिरर इमेज नॉन है जैसे ये नॉन सुपर इंपोजिबल है तो उसे हम बोलेंगे एसेमेट्री या फिर कार्बन के से चारों बॉन्ड कार्बन से अटैच चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप के होंगे तो हम क्या बोलेंगे वो काइरल कार्बन कहलाएगा और काइरल कार्बन या हम बोलेंगे क्या एसेमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल लैक ऑफ सिमेट्री एंड इज रिफर टू है एसेमेट्री एसेमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग विद नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड द सेमेट्री एंड एसेमेट्री आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेनी डे टू डे ये एग्जाम्पल है यहां से लाइन ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इंपॉजिबल ऑन द मिर इमेज आर सेट टू बीरल एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी अगर हम बोले की जो ऑब्जेक्ट मिर इमेज अपने मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा वो कारल होगा और फिनोमिना को बोलते हैं कायरलिटी कायरल मोलिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव याद रखियेगा जो कायल कार्बन होंगे कायरल कार्बन होंगे वो क्या होंगे ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज आर कॉल्ड ए एंड दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ए कायरल ऐसे याद रखिए ए कायरल इनएक्टिव कायरल एक्टिव सिंपल ए कायरल ए कायरल इनएक्टिव ए आई याद करिएगा कर ट्रिक ए आई और कायरल ए सी ए एंड सी याद करिएगा कर ट्रिक ए का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ए कायरल है तो इनएक्टिव कायरल है तो एक्टिव ए आई एंड सी ए आगे डाबो टेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कैरेटी कैन बी अप्लाई टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय कंस्ट्रक्टिंग द मॉडल्स एंड इट्स मिरर ये बताया है जैसे इस एग्जांपल में ये इसका मिरर इमेज हो एज यू सी इन क्लियरली प्रोपेन टू ऑल ए ए

टेट्राहाइड्रल कार्बन एक्सपेक्टेड कायरल तो मतलब अगर अलग अलग चारों ग्रुप क्या है इसमें अलग अलग है चारों ग्रुप क्या है अलग अलग है तो इसको हम बोलेंगे कायरल और कायरल कम होगा तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव फ्रम्पाउंड क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर ईचर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इन क्या बोला द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मीर इमेज आर कॉल्ड इनमर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल उसे क्या बोलेंगे इन इनियोमर पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे ओनली डिफर विद द रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड राइट याद रखिएगा

रेसमाइजेशन क्या मैं बोला कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंसियोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन क्या बोलते, इसको? बोलते हैं इसको एक प्रॉपर्टी रिटेंशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज द इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिकल सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल इफ इफ ड्यूरिंग रिएक्शन नो बोर्न टू स्टीरियो सेंटर इज प्रोडक्ट विल द सेम जनरल सच रिएक्शन इज सेट टू विदिड विदेशन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन टू मिथाइल ब्यूटेन इज द विद्रेटेड क्लोरिक एसिड हम देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में

बी इज द ओनली कंपाउंड ऑप्टेन द प्रोसेसन बात को समझिए अगर चेंज हो गया जैसे बी वाले तो हम क्या बोलेंगे इसको जैसे क्लियर आप लोग को दिखाए हम कहें कि इस वाले प्रोडक्ट में हम क्या रिटेंशन है रिटेंशन ये क्या है इसको हम क्या बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे इनवर्जन क्यों एच थ्री फिर एच फिर c2h और बस यहाँ पे x तो मतलब केवल एटम चेंज हुआ अरेंजमेंट सही लेकिन b में देखिए ch3 प्लेन में फिर h c2h5 फिर y c2h5 तो ch3 है तो y यहाँ पे क्या अब ये कॉन्फिगरेशन इधर से आके y इधर लग गया y इधर लग गया मतलब क्या यहाँ पे स्पाइटल अरेंजमेंट चेंज हुआ तो हम क्या बोलेंगे b क्या है इनवर्जन a क्या है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन हैज इन मतलब उल्टा हो गया कॉन्फ़िगरेशन फिर बात इफ 50 50 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज़ देन प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन अगर दोनों 50 परसेंट ए आ रहा है 50 परसेंट बी तो हम क्या बोलेंगे याद रख लीजिएगा रेसमाइजेशन अगर हुआ रेसमाइजेशन भी कंसीडर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव

alkyl halide the product form as the result of SN2 mechanism as the inverted configuration as compared to the reactant. This is because the nucleophile attached to itself on the side of opposite to the one where the halogen atom is present. याद रखिये बस इतना याद रखिएगा एक्टिव के साथ प्रोसीड कर रहा है तो उसका कन, क्या उसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या है इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आएगा इनवर्जन ऑफ इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड एन वन आर कंपाइंड बाय द रेसमाइजेशन रेसमाइजेशन का मतलब एस वन में याद रखिए एस में इनवर्जन ऑफ कन्फ्यूगुरेशन और एस में इनवर्जन ऑफ कन्फ्यूगुरेशन एस एन टू में एस एन वन में रेसमाइजेशन और जो रेसमाइजेशन का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है ऑप्टिकली होगा एस एन वन एस एन वन में रेसमाइजेशन होता है रेसमाइजेशन एस एन वन में क्या रेसमाइजेशन और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जबकि एस एन टू में हम क्या बताएन टू में इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगुरेशन होगा इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगुरेशन अच्छा ऐसा क्यों होता है एस एन वन में इन्वर्जन रीजन वाई एक्चुअली द कार्बोकैटन फॉर्म इन द स्लोवेस्ट स्टेप स्लोएस्टिव बींगीड टू हेबडाइज इज प्लेनर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बी अम्पलाइज इधर इधर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बोकैटन रिजल्टिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट वन हैविंग हैविंग वन सेम जैसे

अगर हम स्लाइड ऐड करने की बात करूं यहाँ से यहीं पे समझिए आप लोग अगर आपसे पूछे एस एन टू और एस एन टू और एस एन वन कन्फ्यूगुरेशन के बेस पे बता रहा हूँ एस एन टू में इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगुरेशन इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगुरेशन रीजन क्या है कि कार्बो कटैन एक ही तरफ से अटैक कर सकता है बस इसमें एस एन टू सॉरी एस एन वन में रेस्माइजेशन मतलब फिफ्टी फिफ्टी प्रोडक्ट फिफ्टी परसेंट हो सकता है फिफ्टी परसेंट लेगो ऐसा क्यों कि जिसमें कार्बोकाटाइन फॉर्म होता है ना वो एसपी टू होता है एसपी टू का मतलब कहने का कि वो प्लेनर होता है अब उसके पास दो तरफ से अटैक करने का एक फ्रंट से अटैक करेगी बैक से जितना फ्रंट पे टैक करके प्रोडक्ट बनेगा उतना बैग पे तो चांसेस क्या है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इसीलिए एस वन क्या बनाता है रेस्माइजेशन क्वेश्चन आ सकता है वाई एस वन इन, इन वाई इन एस एन वन रिएक्शन रेस्माइजेशन आकर ठीक ये हमारा था फोर्थ लेक्चर आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा प्लीज अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोज फ्रेंड जो पढ़ने वाले होंगे थैंक यू